बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद में राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बग्गा की गिरफ्तारी पर अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भी आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आप संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने हिंसा भड़काने और ऐसे लोगों को बचाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को यहां से किडनैप किया। अरविंद केजरीवाल जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं कि मुझे पुलिस मिल लेने दो, पुलिस बार एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को, दो चार लोगों को जेल में बंद करूंगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट है। जब उससे पूछा गया कि आपके प्रति ये जो आप बोल रहे हैं ये झूठ है और ऐसे ट्वीट किए गए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे को पुलिस मिल लेने दो। मैं आपको यह भी याद कराना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल किस तरीके वेंडेटा रखते हैं, किस तरीके बदलाखोरी में काम करते हैं। जब उनके पास पुलिस नहीं थी तो उन्होंने अपने एमएलओ से, अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही घर बुलाकर पिटवाया। जो आदमी अपने चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुलाकर एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो अपने आप को बताता है पिटवा सकता है, आप उससे कल्पना करें कि पुलिस का इस्तेमाल और दुरुपयोग किस कदम कदर कर रहा होगा। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के बारे में मैंने थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करवाया, मैंने कहा ये आदमी बहुत सुर्खियों में, इनके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठी की जाए कि क्या क्या चीज है। तो तेजिंदर बग्गा, इनका अगर आप ट्विटर अकाउंट देखें और इनका आप फेसबुक अकाउंट देखें या इनके नाम की आप सर्च करें कि किस चीज़ों के लिए ये दिल्ली के अंदर जाने जाते हैं, तो इनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है गंदी और घटिया भाषा शैली, अभद्र भाषा, बदतमीजी, जहरीले भाषण और दो कम्युनिटीज, दो संप्रदायों के अंदर झगड़ा कराने वाली, नफरत फैलाने वाली बोली और भाषा। और इसके अंदर मैंने इनके बारे में सर्च किया, 2011 में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक 70 साल के बुजुर्ग वकील को जूतों से पीटने के लिए ये लोग सुर्खियों में आए थे। और इनके साथ उस वक्त दो लोग और थे, एक बुजुर्ग को पीटने के लिए तो तीन जवान लोग गए थे, इतने बड़े मर्द हैं, इंदर वर्मा और विष्णु गुप्ता मिलकर इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के बुजुर्ग वकील को सुप्रीम कोर्ट परिसर में जूतों से पीटा था। इसके बाद 2011 में रामलीला मैदान में पीएफआई के प्रोग्राम में इन्होंने हंगामा किया, इसलिए ये वहां पे इनकी चर्चा में आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।